नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, जैसे कि सर्दियां खत्म ही होने वाली हैं, और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो लोगों को एक प्रॉब्लम खासकर परेशान करती है, जो कि है सर्दी और जुकाम की। तो जैसे जैसे सर्दियां खत्म हो रही हैं, और या फिर उतरती सर्दी होती है या फिर चढ़ती सर्दी होती है, इन दोनों में कुछ लोगों को जो है सर्दी जुकाम और एलर्जी की शिकायत होती है। और ये दोनों वक्त में होती है, जब सर्दियां आती हैं और या फिर सर्दियां जाती हैं, तो दोनों टाइम पे होती हैं। अभी क्या फरवरी का महीना चल रहा है और आज 10 तारीख है, और धीरे धीरे गर्मी सी आने लगी है दिल्ली में, तो अब सर्दियां खत्म हो रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को सर्दी की, जुकाम की और एलर्जी की, छींके आने की समस्या हो जाती हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी दवाई बताऊंगा, कुछ ऐसे खुराक बताऊंगा, जिससे कि आपको ये दवाई लेके सर्दी और जुकाम की और ये एलर्जी की समस्या से आपको निजात मिलेगी, और आपको डॉक्टर के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी ये दवाई है। लेकिन दोस्तों, चाहे तो आप जो है एक नोटबुक और पेन लेके अपने साथ बैठ जाइए। जो जो दवाइयाँ मैं बताऊंगा, आप अपने नोटबुक में वो जो है नोट कर लेना, कभी भी आपको जब ज़रूरत हो, आपको जब भी जुखाम हो, खांसी हो, या आपको एलर्जी हो, छींके आती हो, तो आप ये दवाइयाँ अपने आप मेडिकल स्टोर पे जाके लेके और अपने आप खुराक बना के खा सकते हैं, और आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है दवाइयाँ बताऊँगा, और ये दवाइयाँ आपको खुराक बनानी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे आप अपने किसी भी नज़दीकी किसी क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ क्या करते हैं, जैसे आप बताते हो कि आपको बुखार है, जुकाम है, एलर्जी है, तो 3-4 गोलियाँ, 3-4 मेडिसिन आपको मिला के देते हैं, खुराक बना के देते हैं, और बोलते हैं कि आप ये सुबह शाम खाना। तो वही मैं आपको दवाई बताऊँगा, खुराक कैसे बनाई जाती है और कौन कौन सी दवाइयाँ मिलानी है, जिससे कि आपको सर्दी जुकाम में और एलर्जी में आपको आराम मिले, और जो छींकों की जो समस्या है उसमें भी आराम मिले। तो आप जो है ये दवाइयाँ चाहें तो नोट करके रख भी सकते हैं। तो सबसे पहले दवाई का नाम है दोस्तों, इसका नाम है विनकोल्ड जेड टैबलेट। ये विंग्स कंपनी बनाती है, और विंग्स कंपनी जो है काफ़ी जो है बड़ी और फेमस कंपनी है, जो कि काफ़ी अच्छी पेटेंट मेडिसिन बनाती है। विनकोल्ड जेड टैबलेट आती है मार्केट में, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। और सेकेंड टैब जो है मेडिसिन का नाम है, वो है सिपमॉक्स कैप्सूल 250 mg, आप ये ले लें। और थर्ड जो मेडिसिन है, इसका नाम है सिट्रीजिन, सेट्रीजिन टैबलेट आप ले लें। तो ये जो तीनों टैबलेट हैं, एक विनकोल्ड जेड, और दूसरी जो है सिपमॉक्स कैप्सूल 250 mg का, और तीसरा जो है सेट्रीजिन, आप ये तीनों गोलियां ले लें, और एक एक गोली तीनों मिला के, और आप सुबह शाम दोनों टाइम इसका इस्तेमाल करें। और आपको अगर जैसे जुकाम है, एलर्जी है, तो आप इसको मेडिकल स्टोर पे जाएं और ज़्यादा नहीं, आप तीन तीन गोलियां तीनों की ले लें, विनकोल्ड जेड की भी, सिपमॉक्स की भी और सिट्रेजिन की भी, तीन तीन गोलियां ले लें, और एक एक गोली तीनों में से मिला के आप सुबह शाम खाइए। इससे आपको एलर्जी में, जुकाम में, और जो आपको जो है छींके आती हैं, इन सब में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आप ये दवाइयाँ नोट करके भी रखें, आपको जब भी प्रॉब्लम हो, जब भी जो है सर्दी जो है आती है, या सीजनल जो प्रॉब्लम है, मौसम चेंज होता है, उतरता चढ़ता है, तो उन सब जो है जो सीजनल प्रॉब्लम होती है उसमें ये आपकी मेडिसिन जो है काफ़ी काम में आने वाली है। आपको जब भी ज़रूरत हो, जब भी आपको लगे कि आपको जो है एलर्जी की वजह से जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, छींकें आ रही है, तो आप ये मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर पे जाके खरीदेंगे और अपने हिसाब से आप खुराक बना के खा लेंगे, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, और आपको किसी डॉक्टर को जो है दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये सारी दवाइयाँ आपको 15-20 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, आपको जब भी सर्दी की, जुकाम की, या एलर्जी की, या छींके आने की जब भी समस्या हो, तो आप ये मेडिसिन आप ये ले सकते हैं, और आपको इससे काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, आपको फिर भी किसी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ पूछना हो या आपका कोई सवाल हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।